कांग्रेस का आगे बढ़ता हुआ, लेकिन बीच में रोका गया। प्रियंका गांधी ने यह कहा, आप मुझसे इतना बुलवाएंगे तो 100 किलोमीटर चलूंगी कैसे, यानी इरादा साफ है कि 100 किलोमीटर तक चलना है और सीधा पहुंचना है परिवार के पास। अशोक सिंघल, क्या खबर वहां से? देखिए, देख सकते हैं ये एक्सप्रेस वे जहाँ से शुरू होता है आगरा एक्सप्रेस वे और परी चौक के पास, यहाँ पे पूरा नाकेबंदी पुलिस ने की हुई है। पुलिस के अधिकारी भी यहाँ मौजूद है, उनसे भी पूछने की कोशिश करते हैं, किसी को जाने की अनुमति नहीं है क्या? आगे देखिए, पुलिस वाले बोल नहीं रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं पूरा पीछे गाड़ियां खड़ी हैं सैकड़ों की तादाद में और पूरा पुलिस प्रशासन वहां नाकेबंदी किए हुए, किसी को आगे आने की अनुमति नहीं है। यहीं पे राहुल और प्रियंका उनके काफिले को रोका गया था, उसके बाद वो यहां से पैदल निकले, उसके बाद पैदल ही पैदल वो लोग जा रहे हैं। देख सकते हैं कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता और गाड़ियां पूरा यहां पे नाकेबंदी की है। एक्सप्रेस वे जो मैं आपको बता रहा था आगरा की तरफ जो जाता है और परी चौक की तरफ, उसके बीच में यहां पे रोका गया है और कुछ एक कार्यकर्ता जाने में कामयाब हुए हैं। जतिन प्रसाद अभी दीपेंद्र हुड्डा मोटरसाइकिल से निकले हैं, लेकिन प्रियंका गांधी और राहुल गांधी बहुत आगे निकल चुके हैं। उनका यह कहना है कि हम लोग हाथरस जाएंगे, हमको कोई नहीं रोक सकता, हम पीड़िता के परिवार से मिलेंगे, क्योंकि जिस ढंग से यूपी गवर्नमेंट प्रशासन ने किया है बहुत ही निंदनीय। प्रियंका गांधी ने साफ तौर से कहा है कि हम क्यों नहीं मिल सकते। एक तो उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया, उसके बाद उनका संस्कार भी बिना पूछे परिवार की बिना मर्जी के अंधेरे में किया गया, ये बहुत ही गलत है। अंतिम संस्कार भी उनको करने की परिवार को अनुमति नहीं दी गई। ये तमाम सवाल उठ रहे हैं, चाहे मायावती हो, ममता बनर्जी हो, तमाम पॉलिटिकल पार्टियां यूपी सरकार को निशाने पे लिए और इस पूरी घटना को लेकर के निंदा कर रहे हैं, लेकिन राहुल और प्रियंका का यही कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम वहां पर जाएंगे और पीड़िता के परिवार से मिलेंगे। नवजोत, देख सकते हैं कि पीछे किस ढंग से यहां पे पूरा ट्रैफिक जाम है, लोग यहां पे इकट्ठा हैं, गाड़ियां सैकड़ों हजारों की तादाद में, दूर तक देखो तो तमाम यहां पर जाम लगा हुआ है, किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि जो राहुल गांधी प्रियंका गांधी के काफिले में लोग थे वो लोग भी यहां पे रोके गए। कुछ एक लोग पैदल निकलने में कामयाब जरूर हुए हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन उनको आगे जाने की अनुमति नहीं दे रहा है। और राजीव शुक्ला या दूसरे कांग्रेस कुछ नेता अभी भी जाम में फंसे हुए हैं, उनको भी आगे नहीं जाने दिया जा रहा है, लेकिन कुछ एक लोग प्रियंका गांधी राहुल गांधी के साथ पैदल ही निकल गए हैं, क्योंकि पुलिस ने उनको पैदल तो जाने दिया लेकिन गाड़ियां किसी की जाने नहीं दी। देख सकते हैं कि भारी तादाद में पुलिस बंदोबस्त और यहां पर नेता और कार्यकर्ता मौजूद हैं। बिल्कुल अशोक सिंघल, बात जिस वक्त आप कर रहे थे प्रियंका गांधी से हमने सुना, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ले जिम्मेदारी, क्योंकि वही जिम्मेदार है सरकार को जगाना है और यही मकसद है कांग्रेस का और इसीलिए पैदल कूच करेंगी। लेकिन क्या लगता है कहां तक चलेंगे ये लोग पैदल, क्योंकि जगह जगह पर पहले तो डीएनडी में रोकने की कोशिश की गई, वहां पर जो कुणाल ने खबर दी थी वो ये कि क्योंकि मीडिया का जमावड़ा था, लेकिन अब वहां जिस जगह पर आप हैं परी चौक पर वहां पर गाड़ियां रोकी लेकिन पैदल ही काफिला आगे बढ़ रहा है, कहां तक जाएगा? देखिए नवजोत, कोशिश कर रहे हैं इनका प्रियंका राहुल और कांग्रेस नेताओं का तो यही कहना है कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि हाथरस जाएं, हमको क्यों जाने से रोका जा रहा है, हम परिवार से मिलना चाहते हैं, इसमें किसी को क्या एतराज हो सकता है। लेकिन प्रशासन ने धारा 144 लगा रखी है और वहां पर कोरोना के केसेज मिलने की वजह से पूरा कंटेनमेंट एरिया घोषित करने की तैयारी में है प्रशासन, और किसी को जाने की, उनका कहना है कि जब धारा 144 लगी है हम किसी को जाने नहीं देंगे। और जहां तक राहुल प्रियंका का सवाल है, उन्होंने कोई अनुमति भी नहीं लिया प्रशासन से, तो किसी को जाने नहीं दिया जाएगा, लेकिन पैदल ही पैदल जा रहे हैं। प्रियंका गांधी का कहना है कि वो कुछ भी हो जाए वो जरूर जाएंगी, और वो रास्ते में जगह जगह इसी प्रकार से नाकेबंदी पुलिस के द्वारा की गई है। पुलिस का कहना है कि हम वहां किसी भी कीमत पे किसी को जाने नहीं देंगे, अनुमति नहीं है जाने की, लेकिन वो लोग अड़े हुए हैं और पैदल यहां से निकले हैं, लेकिन जगह जगह पर ऐसे ही पुलिस रोकने की कोशिश करेगी और पुलिस की कोशिश ये रहेगी कि हाथरस वो लोग ना पहुंच पाए।